सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सच कहा जाए तो शक्ति का पर्याय है ऊर्जा, समृद्धि का पर्याय है ऊर्जा। ऊर्जा को यूं व्यर्थ न गवाओ, क्योंकि जीवन का अभिप्राय है ऊर्जा। तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं भौतिकवाद के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के उपभोग में आशातीत वृद्धि हुई है। कोयला, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा प्राप्ति के अब तक परंपरागत साधन रहे हैं, किंतु पृथ्वी पर इनका भंडार अत्यंत सीमित है। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना एवं उनका विकास करना आवश्यक हो गया। वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकविदों द्वारा देश के ऊर्जा परिदृश्य का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि हमारे देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विकास का प्रकाश संश्लेषण माध्यम मॉडल अपनाना अत्यधिक उपयुक्त है। यह ऊर्जा का प्राचीन और विश्वसनीय स्रोत है, जिसका नवीनीकरण हो जाता है और यह सभी विकासशील देशों के अपनाने योग्य भी है। विकास के लिए इस विकल्प का चुनाव कर लेने से ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होने के साथ साथ मनुष्य और उसके पर्यावरण में फिर से संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायोमास को एक महत्वपूर्ण और आशाप्रद विकल्प माना जा रहा है, किंतु चीनी, प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे, लकड़ी, काष्ठ, रसायन, संश्लेषित रसायन और ईंधन, मिथेनॉल, मीथेन, ईथेन, गैसोलीन इत्यादि प्राप्त करने के लिए पेड़ का संपूर्ण उपयोग कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी सन 2025 तक विकसित हो जाएगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। बायोमास के उपयोग और परिवर्तन के लिए ही नहीं अपितु इसके उत्पादन के लिए भी क्रांतिकारी अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। बायोमास को उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना भी जरूरी है। बायोमास क्या है? सभी जानते हैं कि समस्त जीवधारियों से प्राप्त होने वाले अपशिष्टों और उनके मृतप्राय हिस्सों को जैव पदार्थ या बायोमास कहा जाता है। बायोमास के अंतर्गत मनुष्यों एवं पशु पक्षियों के मलमूत्र, गोबर, कृषि बागवानी की फसलें, पेड़ पौधों के अवशेष, वृक्षों की टहनियां, सूखी पत्तियां एवं अन्य अवशेष, नष्ट हुए परफ्यूम, साग सब्जियां आदि कार्बनिक अपशिष्टों के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों सहित समस्त प्राणियों के मृत शरीर भी आते हैं। बायोमास में ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत निहित रहता है। सभी प्रकार के बायोमास किसी न किसी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकते हैं। ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट यौगिकों से बने होते हैं, जो वनस्पति अथवा प्राणी रूप में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये सभी जानते हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि समय सीमा है। हाँ, ये बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने के तंत्रों को निम्न तीन वर्गों में रखा जा सकता है। बायोमास के दहन द्वारा ऊष्मा अथवा विद्युत का उत्पादन, दूसरा बायोमास का पशुचारे के रूप में उपयोग, तत्पुरान पशु ऊर्जा का उपयोग, तीसरा बायोमास का उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं में स्थानांतरण। बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने का सरलतम एवं सस्ता माध्यम उनका दहन है। विकसित एवं विकासशील सभी देशों में दहन द्वारा बायोमास से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बायोमास को और अधिक अच्छे ईंधन में भी बदला जा सकता है, जैसे इथेनॉल या हरित गैसोलीन तथा बायोगैस, जिनको या तो जीवाश्म ऊर्जा स्रोत के पूरक के रूप में या उनके बदले में उपयोग किया जा सकता है। आजकल यह अनुभव किया जा रहा है कि जैसे अनाज, सब्जी, फलों आदि की खेती की जा रही है, वैसे ही बायोमास की खेती की जाए, और इसके लिए कभी कभी ऊर्जा की खेती जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पौधों में जिनमें अधिक ऊर्जा देने की क्षमता है, उनमें गन्ना, जैट्रोफा, ज्वार, यूफोरबिया, कसावा, सोयाबीन, सूरजमुखी, जलकुंभी तथा अन्य जलीय पौधे प्रमुख हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी दिशा में एक सार्थक कदम है जैट्रोफा से बायोडीजल का उत्पादन। जैट्रोफा, जिसका वानस्पतिक नाम जैट्रोफा कर्कस है, एक ऐसा पौधा है जो पानी की कमी में भी उग सकता है और इसका उत्पादक जीवन लगभग 40 वर्ष तक होता है, लेकिन यह परिपक्व होने में 2 से 3 वर्ष का समय लेता है। इसका उत्पादन 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक प्राप्त किया जा सकता है। जैट्रोफा कर्कस यूफोरबिएसी कुल का एक महत्वपूर्ण पौधा है और इसके बीज में लगभग 45% तक तेल पाया जाता है। जैट्रोफा के तेल को सीधे
डीजल इंजन के रूप में उपयोग करना इंजन की सेहत के लिए उचित नहीं है, अतः इसको प्रयोग के पूर्व एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसको ट्रांसएस्टरीफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले मिथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, फिर उसमें अरंड तेल को डालकर कुछ घंटों तक हिलाया जाता है। मिश्रण का घनत्व स्थिर करने के लिए 8 से 10 घंटों तक रख दिया जाता है। इतनी प्रक्रिया के बाद ग्लिसरीन नीचे बैठ जाएगी और बायोडीजल ऊपर आ जाएगा, तब दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। इंजन में उपयोग करने से पहले बायोडीजल को गर्म करके उससे पानी उड़ा दिया जाता है और मिश्रण में मिलाए गए बाद प्राप्त अवयव का अनुपात इस प्रकार होता है, 100 किलोग्राम अरंड तेल प्लस 24 किलोग्राम इथेनॉल प्लस 2.50 किलोग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर 100 किलो बायोडीजल प्लस 26 किलो ग्लिसरीन। प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन संचित करने वाले पौधों की दृष्टि से वनस्पति जगत का फार्मेसी कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लगभग 4000 प्रजातियों वाले इस विशाल कुल की कोई न कोई जाति आर्कटिक प्रदेश के अतिरिक्त विश्व के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। वैसे अधिकांश जातियां विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं। इस कुल के पौधे साग, झाड़ी या वृक्ष किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं, परंतु इन सबकी एक सामान्य विशेषता यह है कि इनके उत्कों में एक विशेष प्रकार का दूधिया द्रव संचित होता है। यह दूधिया द्रव हाइड्रोकार्बन का स्रोत है। वायुल तथा यूफार्बिया जैसे हाइड्रोकार्बन युक्त पौधे सहिष्णु होते हैं और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। शैवाल हाइड्रोकार्बनों के आशाप्रद स्रोत है। उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा इनके उत्पादन और संसाधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समुद्री बायोमास के क्षेत्र में अभी बहुत संभावना है। सभी नई और ध्यान आकर्षित करने वाली ऊर्जा फसलों की खेती करने तथा उनका आनुवंशिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये इस समय अपने आप उगते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में और प्रति इकाई समय में कम उत्पादन देते हैं। कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक उत्पादन किया जाना संभव है। स्मरण रहे, बायोमास ऊर्जा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसमें कई वैज्ञानिक विषयों का योगदान है। इसके लिए वनस्पति विज्ञान, पादप रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि, ईंधन, ऊष्मा, भौतिकी तथा इंजीनियरिंग की अलग अलग शाखाओं में विभिन्न पौधों पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में अनुसंधान और विकास किए जाने की आवश्यकता है। बायोमास के संदर्भ में वर्तमान में जिन बातों पर तात्कालिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है वह इस प्रकार है। व्यापक आनुवंशिकी विविधता और सीमांत या अल्पवंशी प्रजाओं के अनुकूल वृक्षों झाड़ियों की प्रजातियों का चुनाव। ये चुनी हुई प्रजातियां सही होनी चाहिए और इनकी जल, खाद, उर्वरक और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता कम होनी चाहिए। ऐसी प्रजातियां चुनी जाए जिनके विविध उपयोग हो सके, जैसे ईंधन, चारा, उर्वरक और जैसा। इनमें पुनर्जनन की कुछ संभावना होनी चाहिए। प्रजातियों में नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता का होना अधिक अच्छा होगा। इसके साथ ही अल्प पोषक तत्वों वाली मृदाओं के लिए जैव उर्वरण और अन्य विधियों को भी अपनाना होगा। उपयुक्त चारा फसलें और घासों के अतिरिक्त अलग अलग प्रजातियों और विशिष्ट आवास क्षेत्रों के लिए कृषि क्रियाओं का प्रौद्योगिकी का एकीकरण। सर्वोत्कृष्ट क्लोनों की मांग के अनुसार अल्पकाल में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्ध तकनीक का मानकीकरण। स्थानुसार अनुकूल परीक्षणों और प्रजनन कार्यक्रम बनाने के लिए सभी सार्थक जातियों और उनके स्ट्रेनों के जन्म द्रव्य का संग्रह। इस प्रकार नवीकरणीय वैकल्पिक प्रदूषण रहित स्वच्छ और सस्ते ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोमास में राष्ट्र के लिए एक भावी ऊर्जा स्रोत हो सकने की भारी क्षमता है। इस विशाल स्रोत से कारगर रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। हमें इन प्रौद्योगिकियों का भरपूर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ये कुछ सारणियाँ हैं जिनमें ये सारणी एक में प्रमुख ईंधनों के ऊष्मीय मान दर्शाए गए हैं। दूसरी सारणी में गैर जीवाश्मीय स्रोतों से प्राप्त शक्ति का विवरण है। तीसरी सारणी सूखी लिग्निन पदार्थ की 1 किलोग्राम मात्रा से बिजली का उत्पादन प्रदर्शित कर रही है। और चौथी सारणी है मीथेन किरणों से प्राप्त पदार्थ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बायोमास यानी ऊर्जा का एक अच्छा और नवीकरणीय स्रोत है और इसके एक तरह से इस्तेमाल से हम लोग ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ जो पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी दिक्कत और
रोजगार समस्या हमारे सामने है उससे भी निपट सकते हैं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जनहित में ऊर्जा बचाओ, राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाओ, और राष्ट्र की पुकार यही है कि सर्वहित में ऊर्जा बचाओ। ऊर्जा है तो हम है, ऊर्जा नहीं तो हम नहीं, और ऊर्जा यदि बचा सके तो हम भी।